जी अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया था पेट्रोल प्राइसेस का, ठीक है। अब मैं आपको कंपेयर करके दे रहा हूँ नवाज़ हुकूमत 2015 का उस टाइम का रेट और इमरान हुकूमत का 2021 का। यार अब जल्दी जल्दी बताऊँगा, टाइम नहीं है। 2015 में, ठीक है, डॉलर का उस टाइम रेट था 98 रुपये और बाइंग थी पेट्रोल की $40 पर बैरल, यानी एक बैरल था उस टाइम $40 का, ठीक है। और वो बनता था पाकिस्तानी रुपीज़ में 3920 रुपये। ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। 3920 पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान वो ख़रीदी थी 3920 रुपये में एक बैरल। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 158 लीटर, ठीक है। 24.81 रुपये पर लीटर नवाज़ हुकूमत ये 2015 में ख़रीदती रही है। उसके बाद जो शिपमेंट चार्जेस होते हैं, जिसे आप कह लो कार्गो, जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, वो 13 रुपये उस टाइम थी, ठीक है। और लेवी टैक्स ये आ जाता है, ये देखो 30 रुपये लेवी टैक्स नवाज़ हुकूमत ले रही थी उस टाइम, ठीक है। सेल टैक्स 17% का पूरे का पूरा, यानी सबसे ज़्यादा टैक्स नवाज़ हुकूमत ने लगाए थे, ठीक है। और 84.81 रुपये ये 2015 में देती रही है। अब आ जाओ जी इमरान खान की हुकूमत। इमरान खान 2021 में $171 डॉलर है इस टाइम, 171 रुपये, ठीक है। 84.86 रुपये पर बैरल जो है वो इस टाइम रेट है, जो बनता है 14,511। या आप इसको फिर तकसीम करोगे 14,511, यानी कि 14,511 का एक बैरल ख़रीद रही है, एक बैरल जो कि 158 लीटर बनते हैं, ठीक है। यानी कि 91.84 रुपये इस टाइम हुकूमत ख़रीद रही है। अब आगे देखो शिपमेंट चार्जेस, क्योंकि कोरोना बढ़ा है जिसकी वजह से बहुत से नुकसान आते हैं। जो कार्गो का काम करते हैं, जो कार्गो करवाते हैं सऊदी अरब से, तो उनको पता होगा इस टाइम कार्गो के रेट जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये तो क्रूड ऑयल का है, जो कंटेनर होते हैं उनके रेट काफ़ी हाई हैं। इस टाइम 28 रुपये जो है शिपमेंट चल रही है, ठीक है। उसके अलावा देखो जो नवाज़ हुकूमत 30 रुपये लेती रही है लेवी टैक्स, वो अब इमरान हुकूमत ने वो लेवी टैक्स ताकि आवाम के ऊपर कम बोझ पड़े तो 12 रुपये कर दिया। सेल टैक्स जो 17 ले रही थी वो 6 रुपये इमरान हुकूमत ने 6 रुपये सेल टैक्स कर दिया, ठीक है। और अब आप देखो ये कितने का बन रहा है, फिर भी ये 137.84 रुपये का बन रहा है। अब देख लो इमरान खान की सिर्फ ये, यहाँ पे इमरान खान कमी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकता। ये अवाम को हमारा समझना पड़ेगा, खुदा के लिए। ये वक्त जो है अच्छी कौमों के ऊपर आता है, जो कौम अपने स्टैंड लेना जानती है उनके ऊपर ये वक्त आता है। तो इंशाल्लाह इस वक्त से भी हम निकल जाएंगे। इस टाइम साथ देना पड़ेगा हमें इमरान हुकूमत का, इसमें इमरान खान का कोई वो नहीं है कि उसका कोई कसूर नहीं है। उसका ये कसूर है कि जो माफिया बैठा है उनको वो कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है। ये सारा चार्ट आपके सामने है। बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये फेक है। अब ये देखो मैंने एक और निकाला है 2015।